अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं एक और नई मजेदार रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जायकेदार कुकिंग विद जायका। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए एक स्वीट रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ मैंगो ट्राइफल डिजाइट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आइए देखते हैं मैंगो ट्राइफल डिलाइट बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। उसके लिए मैंने मैंगो लिए दो, उन्हें इस तरह चंक्स में काट लिए। कैंडी बिस्किट लिए दो रोल, उन्हें मैंने इस तरह चूरा बना लिए, आप आज या मशीन से बना सकते हैं। वनीला कस्टर्ड लिए 4 टेबल स्पून, अगर आपके पास मैंगो कस्टर्ड है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मिल्क लिए 1/2 कप, उसमें मैं ये जो कस्टर्ड है वो डिज़ोल्व कर लूँगी। वनीला एसेंस लिए 1/2 टीस्पून। शुगर लिए 8 टेबल स्पून, शुगर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जितना कम या ज़्यादा आपको चाहिए। मिल्क लिए 1/2 लीटर। तो सबसे पहले मैंने जो 1/2 कप मिल्क लिए है उसमें ये कस्टर्ड डिजॉल्व कर लेती हूँ। कस्टर्ड यहाँ पे मैंने मिल्क में डिजॉल्व कर लिए। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने जो ये 1/2 लीटर दूध लिया था वो डाल लेती हूँ। साथ ही मैं शुगर ऐड कर लेती हूँ, इसको अच्छे से मिक्स करूँगी इसमें और दूध को बॉयल आने तक वेट करूँगी। दूध हमारा बॉयल हो चुका है यहाँ पे, अब मैं इसमें कस्टर्ड ऐड करूँगी। थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड ऐड करूँगी और साथ साथ मैं इसके मैं चमचा भी चलाती जाऊँगी। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके ऐड करती जाऊँगी और मिक्स करती जाऊँगी ताकि जो हमारा कस्टर्ड है इसमें कोई लम्स वगैरह ना बने। सारा कस्टर्ड मैंने इसमें ऐड कर लिए। मीडियम टू लो फ्लेम मैंने रखी हुई है इसकी। अब मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि हमारा कस्टर्ड जो है वो सही तरीके से थिक हो जाए। यहाँ पे कस्टर्ड को मुझे पकाते हुए तकरीबन 3 मिनट होने वाले हैं और देख सकते हैं कस्टर्ड हमारा थिक हो चुका है। बस हमें इतना ही थिक करना है इसे, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा और थिक हो जाएगा। अब मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और कस्टर्ड को ठंडा होने के लिए रख देती हूँ इतना कि ताकि ये अच्छी तरह ठंडा हो जाए। फिर मैं आगे आपको बताऊंगी। यहाँ पे कस्टर्ड हमारा ठंडा हो गया है। कस्टर्ड ठंडा होने के बाद थोड़ा सा सेट हो गया था, मैंने स्पून से इसे मिक्स कर लिया है। अब मैं इसकी सर्विंग तैयार करती हूँ। यहाँ पे मैं 2 सर्विंग तैयार कर रही हूँ। पहले मैं नीचे इसके कस्टर्ड डालूंगी, बस थोड़ा सा 1 टेबलस्पून के बराबर मैं कस्टर्ड डालूंगी। अब मैं इसके ऊपर जो बिस्किट चूरा किए हुए थे वो डाल लेती हूँ। बिस्किट की एक तह इस तरह लगाऊंगी सारी तरफ। अब मैंने इस तरह बिस्किट की तह लगा ली है दोनों में। बिस्किट को थोड़ा ऐसे बाहर की तरफ करके ऐसे सेट कर लिए। अब इनके ऊपर जो हमारे मैंगो चंक्स थे मैं वो डाल रही हूँ। इस तरह अच्छी तरह फैला लूंगी। यहाँ पे मैंगो की एक लेयर एक ऊपर मैंने लगा ली है इनके ऊपर अच्छे तरीके से सारी तरफ। अब इनके ऊपर मैं कस्टर्ड डालूंगी। अब एक लेयर और कस्टर्ड की लगानी है। ऐसे खूब अच्छी तरह ऊपर से सेट कर लूंगी इसके ऊपर कस्टर्ड। अब मैंने इधर ऊपर केक कस्टर्ड की जो लेयर थी वो सारी तरफ डाल दी है दोनों सर्विंग पे। अब मैं इसको डेकोरेट करती हूँ। अब ये जो हमारे पास बिस्किट से चूरा किए हुए कॉर्नर पे डाल के मैं इसे डेकोरेट कर लेती हूँ। इसी तरह मैं दूसरे को भी डेकोरेट कर लेती हूँ। पहले साइड से इसी तरफ ये जो बिस्किट चूरा किए हुए हैं वो डालूंगी सारी तरफ। अब मैंने ऊपर ये दरमियान में मैंगो चंक्स थे वो डाल दिए। अब मैं इसे फ्रिज में रख रही हूँ 1 घंटे के लिए ताकि ये सेट हो जाए। आप देख सकते हैं हमारा मैंगो ट्राइफल डिलाइट रेडी है। मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त
अच्छा ये हमारा रेडी हो चुका है। सो व्यूअर्स, आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जहां भी रहिए खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। इंशाल्लाह एक और नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।